दोस्तों, आज की वीडियो आपके बहुत ही काम की है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को मात्र एक फूल तोड़ने के कारण नौकरानी बनने का श्राप दे दिया। कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने बैठे बैठे ही अपने मन में धरती लोक का भ्रमण किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें पृथ्वी लोक पर आए हुए। उधर भगवान विष्णु को तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण पर जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तब भगवान को सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए तो चल सकती हो, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप शर्त तो बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा, मेरी शर्त ये है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान की शर्त स्वीकार कर ली और फिर दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती लोक पर पहुँचे, उस समय सूर्य निकल ही रहा था। रात को बरसात हुई थी, इसीलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहाना था। बारिश के कारण धरती लोक पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी यह भूल गई कि वह विष्णु भगवान को क्या वचन देकर आई हैं। इसी बीच में कब वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा नजर आया और बगीचे से भीनी भीनी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू भी आ रही थी। इसके अलावा उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए थे। उसके बाद माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे उन फूलों से भरे बगीचे में चली गई और फिर बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। परंतु जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के हाथ में वह सुंदर सा फूल देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे भूल हो गई, कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती, बल्कि इस भूल के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस माली के खेत से उससे बिना पूछे इस फूल को तोड़ा है वह चोरी जैसी श्रेणी में आता है। इसीलिए हे देवी, आपको इस भूल की सजा के रूप में उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा और 3 साल पूरे होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम दोबारा बुला लूँगा। यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा दी गई यह सजा मुझे मंजूर है और मैं आपके आदेश अनुसार उस माली के यहाँ एक नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करूँगी। इसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को वापस लौट गए। उधर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम वापस लौटने के पश्चात माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण करके उस माली के घर पहुंची। माली के घर पहुंचने के बाद माता लक्ष्मी ने देखा उस माली के पास घर के नाम पर मात्र एक टूटी सी झोपड़ी थी और उस माली का नाम था श्याम। श्याम उस टूटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 2 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वह सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। फिर माता लक्ष्मी गरीब कन्या के रूप में जब उस झोपड़ी के आंगन में पहुंची, तब श्याम ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माता लक्ष्मी ने श्याम से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, कृपया आप अपने यहाँ मुझे कोई काम दे दो, मैं आपके घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी, कृपया करके आप अपने यहाँ मुझे बस रख लो। श्याम बहुत ही भला इंसान था, उसे लड़की की बातें सुनकर दया आ गई। फिर श्याम ने कन्या रूपी माता लक्ष्मी से कहा, बेटी मैं तो एक गरीब माली हूँ, मैं अपनी कमाई से बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला पाता हूँ,
परंतु अगर मेरी दो की जगह तीन बेटियां होती तो भी मुझे किसी तरह इस कमाई में अपना गुजारा करना ही पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। हम लोग रूखा सूखा खाकर रहते हैं, अगर तुम वह सब खाकर यहाँ खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। श्याम की यह सब बातें सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ रहने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद कन्या रूपी माता लक्ष्मी को झोपड़ी के अंदर ले गए, अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया और श्याम बोला, आज से यह कन्या मेरी बेटी बनकर इस झोपड़ी में हम लोगों के साथ रहेगी। यह सुनकर श्याम के परिवार वाले बहुत ही खुश हुए। उधर माँ लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन श्याम की इतनी कमाई हुई कि शाम तक उसने एक गाय भी खरीद ली। उसके बाद श्याम यही सोचने लगा कि हो न हो लेकिन यह लड़की अवश्य ही कोई देवी है जिसके आने के बाद ही मुझे यह सब सुख सुविधा मिली है। इसी तरह 3 साल बीत गए और फिर जब श्याम अगले दिन खेतों से काम करके घर आया तो फिर अपने घर के सामने उसे एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला को देखा। फिर जब उसने नजदीक आकर उस महिला को देखा तो वह जान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली तीसरी बेटी है। और फिर उसे यह समझते देर न लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। और फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर आने के लिए कहा और फिर सारे परिवार वाले बाहर आकर माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। और उसके बाद हाथ जोड़ते हुए माता लक्ष्मी से कहा, माँ मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो, मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर के काम करवाए हैं, इस अपराध के लिए हम सभी को माफ कर दो। माँ श्याम के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, श्याम तुम तो बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे इतने दिनों तक अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पास कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं होगी, तुम्हें वह हर सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ धाम वापस चली गई। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कोई और नॉलेजबल वीडियो में। धन्यवाद।